आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी को लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है किसान की चतुराई। एक समय की बात है, गांव में चंदन अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो एक मेहनती किसान था। उसका बेटा अशोक, उसका सपना था कि वो शहर में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक बड़ा आदमी बने। परंतु चंदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवा सके, इसलिए उसके बेटे को भी उसके कामकाज में हाथ बटाना पड़ता था। चंदन की पत्नी विमला, उसे बातें करने का बहुत शौक था। वो सबकी सारी बातें बता देती थी, चाहे कुछ भी हो। वो अपने पेट में कोई भी बात नहीं बचा सकती थी। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से चंदन बहुत परेशान रहता था कि उसकी पत्नी उनके घर की सभी बातें बता देती है। एक दिन की बात है, जब चंदन खेत में काम कर रहा था, तब काम करते समय उसे जमीन के नीचे एक बक्सा दिखता है। फिर चंदन उस बक्से को जमीन से बाहर निकालता है और देखता है कि उसके अंदर बहुत सारी सोने की मुद्राएं हैं। उस बक्से को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, मेरी किस्मत तो चमक गई, इसमें तो बहुत सारा सोना है। परंतु उसे एक बात का डर था कि वो ये सोना अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि ये सारी जमीन राजा की थी और अगर उस जमीन पर किसी को भी कुछ भी मिलता था तो उस वस्तु या चीज पर सीधा राजा का ही हक होता था और वो वस्तु उन्हें राजा को सौंपनी पड़ती थी। परंतु चंदन उन सोने की मुद्राओं को राजा को नहीं देना चाहता था, वो सोने को अपने पास ही रखना चाहता था। फिर वो सोचता है कि मैं इस सोने को अपने घर में जाकर छुपा देता हूं। परंतु एक और समस्या थी, वो घर में भी ये सोना नहीं छुपा सकता था, क्योंकि कभी न कभी उसकी पत्नी को भी इस बक्से के बारे में पता चल जाएगा और उसकी पत्नी तो वैसे भी इतनी बोलती है और उसके पेट में तो एक बात नहीं बचती। अगर गलती से उसने किसी को भी ये बात बता दी तो जल्दी ही राजा तक ये बात पहुंच जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी जमीन पर मुझे ये सोने से भरा बक्सा मिला था और मैंने इसे अपने घर में छुपा लिया था, तो उसके बाद राजा मेरा सारा सोना भी छीन लेगा और मुझे मृत्यु दंड भी दे देगा, क्योंकि मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। फिर चंदन आगे सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे और किस तरीके से वो इस सोने को अपने पास रख सकता है। तब उसे एक तरकीब सूझती है। फिर वो सोने के बक्से को झाड़ियों के पीछे छुपा देता है और वापस अपने घर चला आता है। फिर अगले दिन चंदन बाजार जाता है और वहां से कुछ मिठाइयां और कुछ फल सब्जियां खरीद लेता है और उन्हें अपने साथ खेत में ले जाता है। उसके बाद वो मिठाइयों को पेड़ पर पतले से धागे से बांध देता है और नदी में फल सब्जियां डाल देता है। ये सब करने के बाद फिर वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो भाग्यवान, तुम कहां पर हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब उसकी पत्नी कहती है कि हाँ जी आ गई मैं, कहिए ऐसी क्या बात है जो आज आप इतने खुश नजर आ रहे हो। तब चंदन कहता है कि अरे भाग्यवान, खुश होने वाली बात तो है ही, तुम ना अपने साथ दो टोकरियां ले लो और अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तब विमला कहती है कि टोकरी, टोकरी का क्या करेंगे। तब चंदन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो, हम टोकरी में बहुत सारा सामान लेकर आएंगे, मुझे एक जादुई खेत मिला है। तब विमला कहती है कि क्या कहा, जादुई खेत यहां कहां पर है। तब चंदन कहता है कि अरे भाग्यवान, तुम अब बस बातें ही करती रहोगी कि मेरे साथ चलोगी भी, तुम चलो तो सही, तभी तो मैं तुम्हें जादुई खेत दिखाऊंगा। और सुनो, ये बात तुम किसी को भी मत बताना, ठीक है ना, अगर गलती से भी ये बात किसी को पता चल जाएगी और चाचा तक ये बात पहुंच जाएगी तो वो हमें दंड देंगे। तब विमला कहती है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, और भला मैं किसी से कुछ कहती ही नहीं हूं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तब चंदन सिर हिलाते हुए कहता है कि हां, वो तो मुझे पता ही है कि तुम किसी से कभी कुछ नहीं कहती हो, मैं ही बेखाम में चिंता कर रहा हूं। फिर विमला कहती है कि अजी आप रुकिए, मैं अभी अंदर से दो टोकरियां लेकर आती हूं। उसके बाद विमला अंदर से दो टोकरियां लेकर आती है और चंदन के साथ खेत में चली जाती है। जब चंदन और विमला खेत में पहुंचते हैं तब चंदन विमला से कहता है कि ये देखो जादुई पेड़, इस जादुई पेड़ पर मिठाइयां लगती हैं। कितनी अजीब बात है ना कि इस पर इतनी सारी मिठाइयां लगी हैं। तब विमला ये देखकर चौंक जाती है और कहती है कि आप तो सही कहते हो, ये तो सच में ही कोई जादुई पेड़ है,
इस पर तो कितनी सारी स्वादिष्ट मिठाइयां लगी हैं। तब चंदन कहता है कि तुम ये सारी मिठाइयां तोड़कर टोकरी में डाल दो। उसके बाद विमला ऐसा ही करती है, उस पेड़ पर से सारी मिठाइयां तोड़कर अपनी टोकरी भर लेती है। फिर चंदन उसे आगे लेकर जाता है। तब उन्हें एक नदी मिलती है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं। तब चंदन कहता है कि ये देखो, ये एक जादुई तालाब है, ये तालाब फल और सब्जियां देता है। तब विमला उस जादुई तालाब से फल और सब्जियों के थैलों को निकालते देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब तो सच में जादू ही है। तब चंदन कहता है कि तुम इस नदी से सारे फल और सब्जियां निकाल लो और मैं अभी आता हूं। तब विमला ऐसा ही करती है, उस नदी में से सभी फल और सब्जियां के थैले इकट्ठे कर टोकरी में डाल लेती है। तब तक चंदन पौधों पर कुछ सोने के सिक्के लगा देता है। फिर चंदन विमला को और आगे ले जाता है और विमला को उन पौधों पर बहुत सारे सोने के सिक्के दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अरे वाह, आज तो हमारी किस्मत ही चमक गई, हमें इतनी सारी जादुई चीजें मिली हैं और अब हमें ये जादुई सोने के सिक्कों का पौधा भी मिल गया। अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, अब हमें कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब चंदन कहता है कि परंतु हमारी जिंदगी तभी अच्छी होगी जब तुम अपना ये राज किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने गलती से भी ये बात किसी को बता दी और ये बात राजा तक पहुंच गई तो वो हम दोनों को जेल में डाल देंगे कि हमने इस जादुई जगह के बारे में उन्हें नहीं बताया। तो इसलिए भाग्यवान, अब तुम किसी से भी कुछ मत कहना। तब विमला कहती है कि अजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी। इसके बाद चंदन और विमला वहां से अपना सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और चंदन उन सोने के सिक्कों को अपने घर में छुपा देता है। फिर उसके कुछ समय बाद चंदन उन सोने के सिक्कों की मदद से अपने बेटे को शहर में पढ़ने लिखने के लिए भेज देता है, परंतु वो ये बात सबसे छुपाता है कि उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा है, क्योंकि अगर किसी को भी ये बात पता चलेगी कि उसने अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजा है तो सभी को उस पर शक हो जाएगा कि अचानक से उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर ही भेज दिया। इसलिए उसने सबसे यही बोला कि उसने अपने बेटे को उसके मामा के घर पर काम करने के लिए भेजा है। फिर ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है। उसे कुछ समय बाद विमला से नहीं रहा जाता। उसको बोलने की इतनी ज्यादा आदत थी कि वो कोई बात भी अपने पेट में नहीं बचा सकती थी। एक दिन जब वो अपनी पड़ोसन सरला से बात कर रही थी तो विमला सरला को सारी बात बता देती है और कहती है कि तुम्हें पता है सरला, एक दिन मैं और मेरे पति एक जादुई खेत में गए थे। वहां पर हमने जादुई पेड़ देखा जो कि मिठाइयां देता है और उसी के थोड़ी आगे जाकर एक जादुई तालाब है जहां से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। फिर विमला आगे बताती है कि जब हम सब चीजों को अपने साथ ला रहे थे तब रास्ते में आते हुए हमें एक सोने के सिक्कों का पौधा भी मिला। विमला आगे कहती है कि अब हमारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, अब हम अपना आगे का जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं और अब हमें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। जब सरला विमला की ये बातें सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब सरला को विमला से बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। अब सरला को भी बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए थे, इसलिए वो अपने घर जाकर ये सारी बातें अपने पति को बता देती है। तब सरला भी अपने पति के साथ उस जादुई खेत को ढूंढने जाती है, परंतु उसे वैसा कोई खेत कहीं पर नहीं मिलता। तब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग उस जादुई खेत को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, परंतु किसी को भी वैसा खेत नहीं दिखता। उसके बाद ये बात राजा तक पहुंच जाती है और राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से उस किसान और उसकी पत्नी को उनके सामने पेश किया जाए। तब राजा के सैनिक चंदन और विमला को उनके घर से पकड़कर राजा के दरबार में ले जाते हैं। तब राजा चंदन और विमला से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में सोने के सिक्के मिले थे। तब विमला कहती है कि जी महाराज, हमें सच में एक ऐसा जादुई खेत मिला था और उसमें हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिले थे। राजा कहते हैं कि तुम हमें विस्तार से उस खेत के बारे में बताओ। जब विमला राजा को सब बता रही होती है तब चंदन अपनी पत्नी के पीछे खड़ा हो जाता है। वो राजा को कुछ इशारे करने लगता है। तब राजा ये देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं। चंदन राजा से इशारों में कह रहा था कि उसकी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो कुछ भी बोलती रहती है और राजा चंदन की ये बात समझ जाते हैं।
तभी विमला राजा को बता रही होती है कि किस तरीके से वो कुछ समय पहले एक खेत में गए थे जहां पर उन्हें एक जादुई पेड़ मिला था जिस पर बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयां लगी थी। फिर उसके बाद उन्हें एक जादुई तालाब मिला जिसमें बहुत सारे फल और सब्जियां मिलती हैं, और जब वो फल सब्जियां और मिठाइयां लेकर वापस अपने घर आ रहे थे तो उन्हें उस जादुई खेत में एक ऐसा पौधा मिलता है जिस पर बहुत सारे सोने के सिक्के लगे हुए थे, और इस तरीके से उन्हें उस जादुई खेत में बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाते हैं। जब ये सब बातें राजा सुनते हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके राज्य में ऐसा कोई भी जादुई खेत नहीं है, और इतने दिनों से सभी लोग उस खेत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे परंतु ऐसा खेत किसी को भी नहीं मिला। इसलिए राजा चंदन और विमला को वापस उनके घर जाने का आदेश दे देते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं कहते। इस तरह चंदन ने अपनी चालाकी दिखाते हुए खुद को राजा से भी बचा लिया और सभी सोने के सिक्के भी उसने अपने पास रख लिए थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए और हमें कभी भी अपनी सभी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझावों से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए। कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।